2023 विधानसभा चुनाव अभी दूर की बात है, लेकिन उसके लिए गर्माहट राजस्थान में राजनीति की काफ़ी हद तक गर्म दिख रही है। जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है, कहीं बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, कहीं बिजली की चमक हो रही है, कहीं बारिश की बौछार हो रही है, ऐसा ही समय चल रहा है राजस्थान में राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक हुई, उसमें क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, और समुद्र मंथन को लेकर उसमें अमृत भी निकला, उसमें जहर भी निकला। जहर किसके खाते में गया, अमृत किसके खाते में गया, और चिंतन बैठक में किस तरह की रणनीति बनी, कांग्रेस रणनीति को लेकर किस तरह के आरोप के जवाब दे रही हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महाराणा प्रताप की पुण्यधरा जन्मस्थली कहें कुंभलगढ़, जहां पर अभूतपूर्व किला है, देश और दुनिया में यह किला अपने विरासत के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक हुई, देश प्रदेश के नेता आए और उन्होंने दो दिन तक इस बैठक में मंथन किया। बैठक के बाद में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जिस लहजे में प्रेस को ब्रीफ किया, उससे राजस्थान की राजनीति में फिर गर्माहट आई है। पहले देखिए सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं तो अमृत की बात की, मैं सकारात्मक बात करता हूँ। इस बैठक से बहुत सार्थक चर्चा हुई है और विश्व कांग्रेस के हिस्से में आएगा, किसका असर है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से कर लें, राजस्थान का भला हो जाए। कानून व्यवस्था राजस्थान में बहुत अच्छे बाद ऐसी सरकार देखी है जिसका ऐसा लगता है इकबाल खत्म हो गया हो। ढाई वर्षों में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, 5.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि दलितों के प्रति जो नज़रिया सरकार का है, उसमें लगता है कि दलित उत्पीड़न का निराकरण ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग के बाद जो सरकार मॉब लिंचिंग का कानून लाती है, लेकिन उसको प्रभावी रूप से लागू नहीं करके उसमें भी अपीजमेंट करती है, यानी उनकी मॉब लिंचिंग की परिभाषा अलग है। पहलू खां के बारे में चिंता करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं, हाथरस की चिंता करते हैं, लेकिन कृष्णा वाल्मीकि की झालावाड़ की चिंता नहीं करते। इसी तरीके से हरीश जाटव की इसी एरिया में अलवर में मेवात में जब उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई तो उसकी चिंता नहीं करते। तो केवल एक मसला नहीं है, ऐसे लगातार सीक्वेंस में बहुत सारे मसले थे, लेकिन योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में नाकारा और निकम्मी हो चुकी है, और उसका नज़रिया अलग है। मैंने कहा है ये कि जो देश में पर्दे पर दिखाया जाता है, जो नौटंकी और पाखंड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं, तो उनका अपना शासित राज्य आके यहाँ पर योगेश जाटव के परिजनों के आंसू तो पहुँचे। आदिवासियों में एंटी हिंदू एक कुछ लोग हैं जो इस तरीके की अल्पकालिक घटनाएं हैं। हिंदू अपने आप में एक विराट शब्द भी है, संस्कृति भी है, उस प्रवाह में सभी लोग शामिल हैं, हरिजन गिरिजन जो जितने हमारे समाज के अंग उपांग हैं, जितने घटक हैं, जितनी बिरादरियाँ हैं, वो सब आस्था वाली बिरादरियाँ हैं जो देश को मानती हैं, समाज को मानती हैं, लोक देवी देवताओं को मानती हैं। इसलिए कोशिश होती है समाज को तोड़ने की, राजनीतिक तौर पर उसका फ़ायदा लेने की, लेकिन अंतोतगतवा ये निश्चित है कि क्योंकि भारत इतना विराट देश है जिसकी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, पर उसकी विशेषता ये है कि जब कोई परिस्थिति बनती है तो देश और समाज एक साथ खड़ा होता है। इसलिए आदिवासियों को कोई नारे लगा के तोड़ने की कोशिश करे वो सफल नहीं होंगे। जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का विचार सभी जातियों का है, सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी जाति के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लोक देवी देवताओं का करते हैं, तो इसलिए इस तरीके की कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई सियासी कारण होता होगा। पर बहुत बड़े व्यापक तरीके से पार्टी को इससे कोई बहुत ज़्यादा चिंता है, भय है, हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निरपेक्ष तरीके से कर रहे हैं और बिना किसी जाति और भेदभाव के कर रहे हैं। देखिए, जगह का अपना महत्व होता है। कुंभलगढ़ को चुनने का कारण ये था, महाराणा कुंभा का और अजय किला, और जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो धरती अपने आप में आस्था का बड़ा केंद्र है, और आस्था के केंद्रों पर ऊर्जा मिलती है। हम जिस परंपरा के लोग हैं, जो राष्ट्रवाद को और अंत्योदय को मानते हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के जो यहाँ जो लोग थे उनको एक नई ऊर्जा मिली है, और उसका काम पार्टी और समाज के काम आएगा। लगातार यही है कि जो परसेप्शन है, हम नए परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, नए एंटी इनकम्बेंसी पे काम कर रहे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कांग्रेस गलती करती है और बीजेपी सत्ता में आती है, उनकी गलतियाँ उनके हिस्से में, लेकिन अब हम लोग इस परसेप्शन को भी बदलना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की धारणा से परे हम अपनी खूबियों पर सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए
संगठन सशक्त बनेगा और राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग मुखर होंगे और एक मंच पर बैठकर फैसला करेंगे, तो मुझे पार्टी का भविष्य राजस्थान में बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है। और हम लोग पार्टी के केवल मिशन 2023 नहीं, मिशन 2023 भी पूरा होगा और इसके आगे ये जो परसेप्शन है भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा राजस्थान में एक लंबे समय तक शासन। बीटीपी से नुकसान भी होगा? देखिए, मैंने कहा कि हम राजनीतिक तौर पर तो आकलन करते हैं अलग अलग चीज़ों का, लेकिन कौन किसको नुकसान करेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम अपनी खूबियों पर काम करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक जो स्थिति है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा जन समर्थन भविष्य में। इतिहास देखेंगे तो हम लोग वहाँ अपेक्षाकृत कमजोर थे, लेकिन पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, पार्टी ने एक अच्छा मत प्रतिशत हासिल किया था। निश्चित रूप से जब हम चुनाव में जाएंगे तो जीतने के उद्देश्य से जाएंगे। मैंने जो कहा कि पार्टी का संगठन सशक्त बने, उसमें जितने जो कारक हैं उस आधार पर हम लोग उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं, समीक्षा करते हैं और पार्टी को पूरे प्रदेश में, मैंने कहा, भौगोलिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं, पार्टी को संभागों में मजबूती से खड़ा करें, जिले का संगठन दुरुस्त हो और मंडलों का जो संगठन है वो अच्छा हो, तो भविष्य में हम लोग संगठनात्मक तौर पर भी और विपक्ष में इसलिए आंदोलन के तौर पर भी और पार्टी की मजबूती के लिए एक्शन प्लान के तौर पर भी ये समग्र चर्चा हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से इसका लाभ आज की बैठक का भारतीय जनता पार्टी का एक दूरगामी भविष्य की योजना की बैठक रही जिसका अच्छा परिणाम आएगा। तो क्योंकि अभी कोरोना की आड़ में सरकार बची रही और कोरोना कांग्रेस पार्टी के लिए आपदा में अवसर था, लेकिन बहुत सारे जगह तात्कालिक मुद्दे भी जिन पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, ये सारी परिस्थितियां सामान्य रही तो हम एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई रहे, लेकिन हमने अपनी इकाइयों को कहा है कि मंडलवार जिलावार जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर वो मुखर होकर काम करें और आने वाले समय में प्रदेश का भी एक बड़े आंदोलन को हम लोग विचार कर रहे हैं। अंतर्विरोध की शिकार है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके की चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि उनको ये साबित करना है कांग्रेस के लोगों को कि हमारे यहाँ भी अंतर्विरोध और अंतर्कलह है, जबकि हकीकत उसके उलट है। कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी की एकता ये ध्वस्त हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल व्यक्ति परक नहीं, विचार के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं और इसलिए एक जाजम पर बैठकर जिस चिंतन इस बैठक को किया है वो अपने आप में एक संदेश है, सकारात्मक है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो प्रचारित किया जाता है वो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी विचार की और संगठन की पार्टी है और इसमें मुझे लगता है कि कहीं पार्टी में किसी किस्म का अंतर्विरोध मुझे दिखता नहीं है। और वो कोई गिरना चाहे तो हमारा बचाने का ठेका नहीं है, वो गिरेंगे तो उनकी मर्जी है, अपनी कमी से कमजोरी से गिरेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप गलत है, इसलिए गलत है कि सदन में उनके ही लोग जब मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भरत सिंह जी कुंदनपुर चिट्ठी लिखते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, हेमाराम जी जब धरने पर बैठते हैं तो बीजेपी नहीं लिखवाती है, दीपेंद्र सिंह जी जब मंथली की बात करते हैं तो बीजेपी नहीं करवाती, इसलिए ये सब उनका जाति झगड़ा है। जैसा कि पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं, इसका मतलब पार्टी का नेतृत्व मुखर हो रहा है। पार्टी में हमारे पास हर सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र के लोग हैं, सक्षम लोग हैं, लेकिन चेहरा कमल का फूल होगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वही चेहरा होगा, इसलिए हमारे यहाँ भी चेहरे का कोई झगड़ा नहीं है। जिनके यहाँ दो चेहरे हैं उनके झगड़ा है, करिए सबकी परिस्थितियाँ, और राजनीतिक अनुपस्थिति नहीं है, उनके अपने व्यक्तिगत कारण हैं। केवल एक चुनाव के लिए नहीं, हमने तो मिशन 2023 के लिए कहा है, उसका एक रास्ता है कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव पहले भी आए हैं, हम लोग जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन केवल एक उपचुनाव को फोकस करके बैठक नहीं होती। तो मैंने कहा कि पूरे वर्ष दो वर्ष में इस तरीके की बैठकें पूरे देश में होती हैं, उपचुनाव की चर्चा हमने अलग से करी और आगे भी करेंगे। एक छोटा सा सवाल और, कुंभलगढ़ के विकास के लिए यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने जब भाजपा की सरकार थी बहुत प्रयास किए थे। अभी अर्जुन मेघवाल जी के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने खुद किले के भ्रमण किया है अधिकारियों के साथ, आर्कियोलॉजी के भी लोग उनके साथ में थे, ये चर्चा हुई है बैठक के अलावा कि कुंभलगढ़ के विकास के लिए और क्या कोई चीज़ें की जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई है। भविष्य में पूरे मेवाड़ के लिए इसको एक अच्छे सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए पार्टी की योजना में है कि कभी ऐसा अवसर आएगा तो मेवाड़ के इस खूबसूरत हिस्से को और आस्था के केंद्रों को और ज्यादा विकसित। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर हुआ है और इस चिंतन शिविर के बाद में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बोछारे की है कांग्रेस पार्टी पर भी और अपनी पार्टी की रणनीति भी बताई है कि किस तरह से पार्टी आगामी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2023 के उसके लिए अभी से मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी देवता और दानवों ने किया था मंथन और उसमें अमृत भी निकला था, जहर भी निकला था, लेकिन सतीश पूनिया ने कहा कि जहर तो कांग्रेस के खाते में है और अमृत भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ में CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा हैं, इन्हीं से जानेंगे कि सतीश पूनिया ने जो
कहा है, क्या कहना है आपका? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं के बोल भी ऐसे निकलते हैं, उनका काम भी जहरीला होता है, वचन भी जहरीले होते हैं, विचारधारा भी जहरीली है, इसलिए उनके शब्द जो निकलेंगे दूसरों के लिए वो निश्चित तौर पे जहरीले ही निकलेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि मंथन हुआ है शिविर में, उसके उसके जो अमृत है वो उनके हिस्से में है और जहर है वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देवताओं और दानवों के बीच में जब मंथन हुआ था तो उसमें अमृत तो देवताओं ने ले लिया था, ये बात ठीक है, परंतु जहर जो था वो शिवजी ने ग्रहण किया था। इसलिए शिवजी तो महान कहलाए और हमारे यहाँ महान ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी महान है तो महान ही रहेगी हमेशा, आजादी से लेकर अभी तक। उन्होंने विष धारण करने का काम किया है, दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझ के दूर करने का काम किया है, देश की तकलीफ, देश की उन्नति को उन्होंने समझा है, तो देश की तकलीफ के, जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान के उन्होंने हमेशा विष के रूप में उनको स्वीकार किया और उसको दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने अच्छे काम करके देश को आगे बढ़ाया है। इसलिए हमें किसी तरह के इन शब्दों पे कोई एतराज भी इसलिए नहीं है कि भगवान शिव ने विष धारण किया था और पूरी दुनिया में उनका नाम आज भी नीलकंठ है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस भी महान पार्टी है, देश में सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं मानते, क्योंकि उनके गुलाबचंद जी कटारिया विपक्ष के नेता ये भी कह चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में डूबे होते। और उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप इधर उधर पहाड़ों में भटकता फिरा, डोलता फिरा, ऐसा वर्ड कहना का उनकी संस्कृति है। अपने आप को संस्कारित पार्टी के लोग कहते हैं ये, परंतु इनके काम जो है असंस्कारित है, इसलिए असंस्कारित लोग हमेशा असंस्कारित शब्दों का काम मिलेंगे। जिस तरह से चिंतन शिविर हुआ और उसके बाद में जो प्रेस ब्रीफिंग भी हुई उसमें यह भी सतीश पुनिया ने कहा था कि कांग्रेस में जिस तरह से अंतर कलह है उससे कांग्रेस को खतरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कलर नहीं है, उनके नेतृत्व के नाम पर कोई लड़ाई नहीं है, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है नेतृत्व के नाम पे, और कांग्रेस में जो दो गुट हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं और इसी से अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वो तो ये प्रदेश है, ये जमीन है, ये घोड़े हैं, यही सवार हैं, यही मैदान है, आने वाले चुनाव में दिख जाएगा कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। छोटे मोटे बड़ी पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं परंतु मतभेद नहीं है। वसुंधरा जी और पुनिया जी के, ओम जी के आपस में क्या संबंध है नहीं है पूरे राजस्थान जानता है, इसलिए कांख ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है, कालजा दिखेगा, इसलिए अपनी बात दबा के ही रखें, उसमें भला है, अपनी पार्टी का काम संभाले, हमारी पार्टी का हमें देखना है भला बुरा, हम अपने आप निपटते रहेंगे। कांग्रेस उपचुनावों की किस तरह से तैयारी कर रही है और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए किस तरह से रणनीति बन रही है? आप सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास भी, किस तरह से जो मनमुटाव अगर कहीं है तो उसे दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है, इसलिए उस अधिकार के तहत हर व्यक्ति टिकट मांग सकता है, परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपने सीनियर लीडरों की टीम बना के दोनों विधानसभा क्षेत्र में लगा दी है, बूथ लेवल से हमारी तैयारी चल रही है, बूथ लेवल से सारे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और हम ये दोनों चुनाव आने वाले समय में जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। जिस तरह से रणनीति बन रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो या कांग्रेस की रणनीति हो, सभी तरफ बैठकें हो रही हैं, चिंतन हो रहा है, मंथन भी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो किसके लिए किस तरह की सफलता मिलती है यह तो समय ही बताएगा, और कौन विष पिता है, कौन अमृत पिता है और कौन सत्ता के सिंहासन पर बैठता है यह भी समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह राजस्थान की राजनीति में गर्माहट जरूर ला रहा है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। बड़ी अच्छी चिंतन बैठक हुई है, 2023 का रोडमैप तैयार हुआ है, निश्चित तौर पर इस कुशासन से राजस्थान के लोगों को मुक्ति करने के लिए
योजना बनी है, पूरी डिटेल में बात अध्यक्ष जी अभी ब्रीफिंग करेंगे। सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और सारी योजना बन गई, अभी ब्रीफिंग करने के लिए आपको बुलाई है। आचार में इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं समझता हूँ देश के अंदर एनसीआरपी के ब्यूरो के आंकड़े ये कह रहे हैं देश में, पूरे देश में सेकंड नंबर पर राजस्थान आ गया है दलित अत्याचार में, और उसके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी अभी ब्रीफिंग करेंगे। कि ये चिंतन बैठक हमारे संगठनात्मक दृष्टि से हम कैसे मजबूत हों, ये हमारा एक रोड मैप है। रोड मैप तय करने के लिए आज हम दो दिन से यहाँ चिंतन बैठक कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है 2023 का, उसके लिए चिंतन बैठक थी। रोड मैप तय करना है, उसमें आंदोलन की रणनीति भी है, हमारे कार्यक्रम भी है, संगठन को मजबूत करना है, बूथ को मजबूत करना है, हमारे पन्ना प्रमुख बनाना है, ये सारे कार्यक्रम है। किन किन सब